स्टडी नहीं किया है, लेकिन जो एक आर्टिकल 334A अभी हमने देखा, कर्सरली मैंने देखा, तो उसमें है कि ये रिजर्वेशन इमीडिएटली लागू नहीं होगा, ये पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जाके ये इम्प्लीमेंट होगा। तो सेंसस कब होगा, डिलिमिटेशन फिर कब होगा, उसके बाद कब होगा, तो वी वर एक्सपेक्टिंग। ये तो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, एग्जिस्टिंग अभी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है और असेंबलीज है, उसी में हो सकता था बड़े आराम से। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। और दूसरी बात, इन्होंने उसमें भी नहीं किया है जो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसमें भी नहीं हुआ है, सिर्फ लोकसभा और असेंबलीज में हुआ है। तो सरकार की मंशा क्या है, ये कल डिबेट में पता लगेगा।